ये लीजिए महारानी, मोर पंख का दूसरा हिस्सा जिसे मेरे महाराज ने अपने तीर तरंग से विभाजित कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 आप सबके द्वारा दिखाए गए इस प्रेम और स्नेह का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 20 वर्ष में हमारे प्रति आपके प्रेम, आदर, सम्मान और विश्वास में आपने कोई कमी नहीं आने दी। हम सदैव आप सबके ऋणी रहेंगे। महाराज आपके आने की उल्लास में तो मैं महारानियों के विषय में पूछना ही भूल गया। दोनों महारानियां कहाँ हैं? हमने उन दोनों को भी उनके मायके से बुलवा लिया है और उन दोनों के साथ साथ कोई अन्य भी है जो यहाँ पधार रही है। और कौन आया है? महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की प्रणाम बड़ी महारानी। प्रणाम पंडित रामकृष्णा। प्रणाम छोटी महारानी। विजयनगर में आप दोनों का पुनः स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो हमारा स्वागत बहुत अच्छा हुआ है, किंतु हमारे मायके में जो स्वागत होता है वो तो अद्भुत है। वैसे आप तो जानती ही होंगी कि इतने वर्ष हम अपने मायके रहकर आए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हमारे मायके की बात कुछ और ही है। क्यों है ना पंडित रामकृष्णा? हाँ, अब आप कह रहे हैं तो असत्य थोड़ी ना होगा। ये तो जग जाहिर है कि आपका मायका पूरे जग में सर्वश्रेष्ठ है और आप जग के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली। धन्यवाद महारानी। महारानी, यदि पंडित रामकृष्णा सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली हैं तो हम क्या हैं? आप भी जग के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली हैं गुरुवर। एक साथ दो दो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते गुरुवर, आप दोनों ही बुद्धिशाली हैं। अन्यथा यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमारी बात पोट पटांग लगती है। अक्का, आपकी बात किसी को ऊट पटांग भला कैसे लग सकती है, क्योंकि ऊट पटांग बात करने के लिए ऊट पर टांग रखना आवश्यक है। वैसे महाराज आप कह रहे थे कि तीसरा भी कोई आया है? हाँ, सौदामिनी भी आई। हुचु कुचु सौदामिनी आ रही है। सौदामिनी भी आ रही है। Choo-choo.
क्या हुआ गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक है मेरा। वो क्या हुआ कि हम अत्यधिक प्रसन्नता में झूम उठे, वो एक साथ सभी विजयनगर पुनः लौट रहे हैं ना। आप लौट आए, महारानियां लौट आई, वो सौदामिनी देवी जी भी आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। सौदामिनी, आप तो इतने दिनों से यहाँ हैं, आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि वो कौन है जो आपको यहाँ आने से रोकने का प्रयत्न कर रहा था। कौन है जो नहीं चाहता था कि आप विजयनगर में प्रवेश करें? कौन है जो आपके आगमन से प्रसन्न था या नहीं? हमें सब ज्ञात है पंडित रामकृष्ण, परंतु हम किसी का भी नाम लेकर उनकी मान मर्यादा के साथ और स्वयं अपनी शालीनता के साथ खेल नहीं सकते। आपकी ये धरोहर, आपका ये राजपाट हम आपको सौंप रहे। इस राज्य के निर्वाहन में यदि हमसे कोई भी त्रुटियां हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं नहीं, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो आपके आभारी हैं। आपने जो कुछ भी किया विजयनगर की शासिका के रूप में किया, और हमें प्रसन्नता है कि आपने हमारे पीछे से भी विजयनगर की मर्यादा में कभी आज नहीं आने दी। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद महाराज, हमने आपकी सदाचारिता के बारे में कितना सुना था और आज देख भी लिया कि आप कितना मान बढ़ा रहे हैं हमारा। हमें तो लगा कि आप हमें दंडित करेंगे। दंड तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अभी मिलेगा। और आपका दंड ये है कि आप विजयनगर के पूर्व शासक महाराज बाला कुमार को खोजेंगे, यही आपका प्रायश्चित भी होगा। और हम उस पल की अधीरता से प्रतीक्षा करेंगे कि कब आप हमारे भ्राताश्री को ढूंढ निकालेंगे, और तब हम आपको और हमारे भ्राताश्री को
अपने हाथ से बने विशेष व्यंजन खिलाएंगे। आप महाराज बाला कुमार को खोजेंगे और उन्हें खोजने के पश्चात उनकी देखभाल करेंगे। बाला कुमार इतने मासूम कि आपको देखने के पश्चात आप पर क्रोधित नहीं होंगे, अपितु आपको क्षमा कर देंगे। जैसे ही आप उन्हें खोज लें आप हमें सूचित कर दीजिएगा। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण जी, राजगुरु जी, महारानी की जय हो। भूतपूर्व महारानी की जय। भूतपूर्व महारानी की जय। भूतपूर्व महारानी की जय। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाले पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विजयनगर शिरोमणि हम सबके प्रिय महाराज श्री कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक पुनः किया जाएगा। बोलो महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज एक बात पूछे। महाराज विगत 20 वर्षों में ऐसा कोई दिवस नहीं बीता होगा, ऐसी कोई रात्रि नहीं बीती होगी जब हमने आपको स्मरण ना किया हो। महाराज के आपको भी हमारी याद आती थी गुरुवर, अत्यधिक याद आती। सुना देखा पंडित रामकृष्ण महाराज, तभी तो विगत 20 वर्षों से निरंतर हमें हिचकी आ रही, क्योंकि महाराज जो हमें याद किया करते थे। हिचकी? जी पंडित रामकृष्ण महाराज, तब तो आपको भी निरंतर हिचकी आ रही होगी। नहीं महाराज नहीं, हमने इन्हें कभी हिचकी लेते देखा ही नहीं। देखी वो तैल चित्र देखी। आपके आगमन की प्रसन्नता में हमने आज ही शीघ्रता में विजयनगर के सबसे योग्य चित्रकार से बनवाया है ये चित्र आपको भेंट करने के लिए। आप बिल्लौरगढ़ के महाराज कब बन गए गुरुवर? हम बिल्लौरगढ़ के महाराज? हाँ क्या हो गया पंडित रामकृष्ण आपको, धतूरा तो नहीं खा लिया आपने महाराज के आने की प्रसन्नता में? ना गुरुवर, मैंने तो नहीं खाया, किंतु आज शिवजी की पूजा करते हुए आपने अवश्य धतूरा खा लिया है। तभी तो बिल्लौरगढ़ के महाराज द्वारा दी गई भेंट को स्वयं की भेंट बता रहे हैं। क्या हाँ। ये तो उन्होंने दिया है, किंतु हमने भी तो बनवाया था, यही कहीं लगा होगा। गुरुवर जी महाराज, पंडित रामकृष्ण आप दोनों की यही नोकझोंक हम याद करके उस कारागर में कभी कभी मुस्कुरा लिया करते थे। समझ में नहीं आता कि आप दोनों के बिना इतने वर्ष कैसे व्यतीत किए हमने। अरे हाँ, जब से हम वापस आए हैं हमने आपके परिवार के कुशल मंगल के विषय में तो पूछा ही नहीं। पंडित रामकृष्ण, अम्मा और शारदा देवी से तो सूरज पहलवान पहले ही आपके घर पे मिल चुका है, परंतु उस दिन उन्हें दरबार में देखकर भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो दोनों भी अति प्रसन्न हैं, आपके आने की आशा में न जाने कब से मिष्ठान बांट रही हैं, अभी भी बांटे जा रही हैं। प्रसन्नता से इतनी ओतप्रोत हो गई हैं कि महारानियों से मिलने गई हैं। महारानी की जय हो। अरे शारदा। प्रणाम अम्मा। प्रणाम अम्मा। सदा सुहागन रही है। कैसी हो शारदा? हम तो बहुत अच्छे थे, और अब आप दोनों को देख लिया तो अब तो और अच्छे हो गए हैं। ये आप लोगों के आने के प्रसन्नता में अम्मा सबको मिष्ठान बांट रही हैं। ये लड्डू अम्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। ये बूंदी के नहीं प्रेम के लड्डू है। धन्यवाद अम्मा। हम बता नहीं सकते, आप दोनों को देखकर हम इतने प्रसन्न हैं। और आप दोनों उतनी ही सुंदर लग रही हैं जितनी वर्षों पूर्व लगती थी, है ना अम्मा? हाँ, याद है।
मिर्च खानी होगी। नहीं 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 नहीं, ये खाने के लिए नहीं, अपितु आप दोनों की नजर उतारने के लिए है। अच्छा अच्छा। क्षमा कीजिए महारानी, मैंने तो ये आप लोगों की नजर उतारने के लिए किया। अगर आप लोगों को नजर लग जाती तो आप लोग अस्वस्थ हो जाते, और यदि आप लोग अस्वस्थ हो जाते तो इस दुख के कारण हम अस्वस्थ हो जाते, और यदि हम अस्वस्थ हो जाते तो गृह कार्य अम्मा को करना पड़ता, जिस कारण अम्मा अस्वस्थ हो जाती। शारदा, तुम इतने वर्षों के पश्चात बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वैसी ही हो, प्यारी और भोली सी। किंतु पंडित रामकृष्णा वो कितने चतुर हैं। वैसे हमारे मायके में भी बहुत बुद्धिशाली पुरुष हैं, किंतु पंडित रामकृष्णा की बात ही निराली है। यदि आपके विवाह से पूर्व हमारी उनसे भेंट हो गई होती तो हम उनका विवाह अपने मायके की किसी कन्या से अवश्य करवा देते। आइए हमारे साथ भोजन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप लोग भोजन कीजिए, हमें मिष्ठान बांटने जाना है। प्रणाम। प्रणाम अम्मा। अच्छा है। और गुरुवर जी, आपका परिवार? क्या बताएं महाराज, हमारा अपना कोई परिवार तो है ही नहीं। हाँ, एक धर्मपत्नी थी वरुणमाला, वो हर समय हमें आपके दुख में देखकर वो स्वयं इतना दुखी हो गई कि अपने मायके वालों को दुखी करने चली गई, अर्थात सदैव के लिए अपने मायके चली गई। बाकी एक दत्तक पुत्री है आम्रपाली, बाकी बचा हमारा हृदय, तो हमारा हृदय तो इतना कोमल है, हर पराए को अपना बना लेता है। पंडित रामकृष्ण महाराज, आपका पुत्र भास्कर कहाँ है, वो कैसा है अब? वो कुशलता से महाराज शिक्षा ग्रहण करने के लिए आचार्य के गुरुकुल गया है। गया नहीं है महाराज, गया नहीं है, भेजा गया है। महाराज आपको याद है ना, वो बाल्यकाल में हमारा नाड़ा चुरा लिया था उसने। जब देखो हमारे निवास में घुसा रहता था हमारी पुत्री से भेंट करने के लिए। महाराज यदि हमने प्रयास नहीं किया होता तो इनका कुपुत्र विजयनगर में अभी भी उछल कूद मचा रहा होता। गुरुवर जी, आप किंचित मात्र भी नहीं बदले। ऐसा लगता है जैसे हमारा खोया हुआ कुटुंब हमें वापस मिल गया। समय चक्र घूम गया, अब विनाश की तैयारी है। रानी खेल से बाहर हो गई, अब महामात्य की बारी है। खेल से बाहर, वो होता है जो कच्चा खिलाड़ी होता है। हम खेल के खिलाड़ी नहीं है अभी तू, हम तो स्वयं खेल है। वो खेल जिसकी आधारशिला ही काल है। बस अब विजयनगर की खोई हुई कीर्ति, उसका खोया हुआ यश, उसे पुनः वापस दिलवाना है। हम विजयनगर को पुनः उसी शिखर पर देखना चाहते हैं जहां वो 20 वर्ष पूर्व हुआ करता था। बहुत जल्द विजयनगर हमारी मुट्ठी में होगा। वो विजयनगर जहां कोई दुखी ना हो, जहां कोई रोगी ना हो, जहां कोई अशिक्षित ना हो। समय आ गया है पंडित रामकृष्ण गुरुवर, जब विजयनगर का इतिहास पुनः स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज, आपके राज्याभिषेक के पश्चात इस कार्य का बीड़ा उठाया जाएगा। सौगंध है। सौगंध है। सौगंध है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.